मोमिन का मकसद ज़िंदगी आखिरत की तैयारी है, और काफिर क्योंकि आखिरत को मानता नहीं, जानता नहीं, तो ये समझता है कि यही दुनिया आखिरी है, तो इसको वो बेहतरीन आयश और इशरत के साथ गुजारने की कोशिश करता है। मोमिन हया को एक सिफ्त समझता है, क्वालिटी समझता है, और काफिर हया को एक बीमारी समझता है। ये बहुत बड़े फ़र्क हैं। काफिर हर गुनाह छोड़ सकता है, मौसीकी और जिना ये दो काम वो नहीं छोड़ सकता, कि दो काम ऐसे हैं जो काफिर से कभी नहीं छूट सकते। तो ईमान वालों की ज़िंदगी और काफिरों की ज़िंदगी में बुनियादी तौर पर ये फ़र्क है। आपने सुना होगा तहजीबों का टकराव, तहजीब का टकराव है ही यही कि ईमान वालों की तहजीब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई तहजीब ये हया वाली है, और गैरों की तहजीब बेहयाई वाली है। ईमान वाला जब ज़िंदगी गुजारता है तो आखिरत की तैयारी की वजह से कभी जज्बात की कुर्बानी देनी पड़ती है, कभी ख्वाहिशात की कुर्बानी देनी पड़ती है, कभी ज़रूरियात भी कुर्बान करनी पड़ती हैं। फिर हर कुर्बानी का बदला होता है। आज फलस्तीन में कुर्बानी दे रहे हैं ना, ये जो 12,000 के करीब मुसलमान शहीद हो गए, क्या मालूम अल्लाह इन्हें बदर और उहद के शहदा के साथ खड़ा कर दें। तो कुर्बानी का बदला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमाते हैं। गैर मुस्लिम मुआशरे में लोगों ने शादी करना ही छोड़ दी है। अगर शादी होती है तो शादी के बाद 90% से ज़्यादा अलहदगी के वाक़ियात हैं। वजह क्या है? वो ये कहते हैं कि दूध जब बाजार से मिलता है तो घर में गायें पालने की ज़रूरत क्या है। ये उनकी स्टेटमेंट्स हैं। और आज के ज़माने में जितने भी लोग औरत के हुकूक़ के अलम बरदार बनने वाले, औरत को आज़ादी दिलवाने वाले, औरत को घर की चार दीवारी से बाहर निकालने वाले, औरत को मर्दों के बराबर में खड़ा करने वाले, दरअसल ये औरत तक आज़ादी से पहुंचना चाहते हैं। औरत की आज़ादी नहीं है बेसिकली, ये हविसनाक मर्द ये औरत तक आज़ादी से पहुंचने का रास्ता तलाश करते हैं इन तरीकों के ज़रिए। ये बात अगर हमें समझ में आ जाए तो बहुत सारी तब्दीली आ जाए। शरीयत ने हया के बारे में क्या फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने, अल हया शुअबतुन मिनल ईमान, हया ईमान का एक शुअबा है, एक हिस्सा है। और यह भी फरमाया ईमान और हया दोनों साथी हैं, एक निकल जाए तो दूसरा पीछे पीछे चला जाता है, एक निकल जाए तो दूसरा खुद बखुद चला जाता है। मुसलमानों को काफिर करना हो ना तो उसका आसान तरीका इनको इंटरटेनमेंट, एंजॉयमेंट और मुख्तलिफ तरीकों से बेहयाई की तरफ लगा दो। जब वे बेहयाई की तरफ बढ़ेंगे तो खुद बखुद ईमान चला जाएगा। इसके ऊपर काफिर हजारों साल से मेहनत कर रहे हैं। अगर हम शरीयत की तालीमात पे गौर करें तो इबादात में मर्दों के और औरतों के हुकूक एक जैसे हैं, लेकिन जब माशरती जिंदगी आती है तो तब फर्क पड़ गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने घर के अंदर की सारी जिम्मेदारी, घर के अंदर की सारी जिम्मेदारी औरत के ऊपर डाली और घर के बाहर की सारी जिम्मेदारी मर्दों के ऊपर डाली। अगर शरीयत औरत को कहती है कि बिजनेस भी तुमने करने हैं, पैसा भी तुमने कमाना है, और साथ औरत को इज्जत और नामूस की हिफाजत का हुक्म भी देती तो ये बड़ा अजीब हो जाता, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरत को इज्जत और नामूस की हिफाजत का हुक्म देना था, इसलिए उसको घर के बाहर की ड्यूटी भी कोई नहीं। किसको बिजनेस ऑर्डर लेने के लिए जाना पड़ता तो ना मालूम कौन कौन से मर्दों की कौन कौन सी शक्लें उसे देखनी पड़ती, कहां कहां उसको परेशानी आती। तो शरीयत ने मर्दों के लिए अलग हुक्म दिए, औरतों के लिए अलग हुक्म दिए। जो निगाहों की हिफाजत का हुक्म है ना, देखिए नमाज का हुक्म, या अय्युल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों नमाज कायम करो, रोज़ा रखो, बहुत सारे अहकाम को एक जगह फरमाया ए ईमान वालों ये करो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तो औरतें खुद बखुद उसमें आ जाती हैं। रोज़े और नमाज में औरत को अलग आयत से हुक्म नहीं दिया। निगाह की हिफाजत की बात आई तो औरत को अलग हुक्म दिया, मर्द को अलग हुक्म दिया। قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ, مومنین سے کہہ دیجئے نگاہوں کو جھکائیں جب نابحرم سامنے آ جائے, وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ, یہی حکم عورتوں کے لیے الگ دیا,
نماز روزے حج کے لیے الگ نہیں دیا، ایک ہی یا الذین آمنو کے اندر دونوں آ گئے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ لگانے کی ضرورت ہے کہ کتنا تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا۔ پھر حیا کے حوالے سے مکمل تفصیلات قرآن مجید میں اور حدیث کے اندر اور صحابہ کی زندگی میں ملتی ہیں۔ عورت گھر میں رہتی ہے تو فرمایا کہ دیور کے بارے میں، دیور تو موت ہے، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں یہاں پہ، ایک جگہ بیان میں میں نے کہا کہ شریعت نے تو دیور سے پردے کا کہا اور دیور کے بارے میں آتا ہے کہ دیور تو موت ہے، دیور جیٹھ وغیرہ۔ تو بیان کے بعد ایک صاحب آ کے میرے پاس کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، ہم نے تو پہلی دفعہ سنا، کوئی نئی بات آپ بتا رہے ہیں۔ میں نے کہا میں تو 1400 سال پرانی بات آپ کو بتا رہا ہوں، نئی بات تو نہیں بتا رہا۔ کہ جی ہمارے یہاں تو یہ تصور ہے کہ یہ تو بھابھی ماں ہوتی ہے، اس کا درجہ تو ماں کی ماں ہے، آپ اس سے پردے کا کہہ رہے ہیں بلکہ موت کہہ رہے ہیں، ہم نے تو اس کو بھابھی ماں سمجھا ہوا ہے۔ ارے اللہ کے بندو، جب سارا دن ہندوستانی میڈیا دیکھو گے پھر جو ہے نا یہ بھابھی بھابھی ماں بنے گی، اگر رسول اللہ کی بات سنو گے تو پردے کا حکم ملے گا۔ شادی شدہ اچھی عمر کا، وہ 40 سال کا تقریباً وہ ہے، کہ جی یہ آپ نے کیا بتا دیا، کوئی نئی بات آ گئی۔ یعنی ہمارے گھروں میں یہ تذکرہ بھی نہیں ہوتا کہ کس سے پردہ ہے اور کس سے پردہ نہیں ہے۔ گھر کے اندر عورت جو غیر محرم، اگر جوائنٹ فیملی ہے، گھر میں رہتے ہیں تو ان سے آئی ٹو آئی کانٹیکٹ نہ کرے، غیر ضروری بات نہ کرے، چادر والا برقع تو نہیں ہوگا، ایک بڑی چادر رکھے، ٹھیک ہے۔ اب گھر میں رہتی ہے، باہر سے کسی نے کوئی لین دین کرنا ہے، پہلے تو سبزی والا دودھ والا آتا تھا، دھوبی آتا تھا، آج کل یہ کم ہو گیا، فوڈ پانڈا والا زیادہ آتا ہے۔ تو بہرحال جو بھی آ رہا ہے تو قرآن کیا کہہ رہے ہیں، فاسألوہن من وراء حجاب، اس سے کوئی لین دین کرنا ہے تو درمیان میں پردہ ہو، فیس ٹو فیس نہیں ہونا، آئی ٹو آئی کانٹیکٹ نہیں کرنا۔ اور بات کیسے کرنی ہے، فلا تخضعن بالقول فیضمع الذی فی قلبہ مرض، اللہ تعالیٰ دلوں کو بھید جاننے والے پروردگار عورتوں کو کہہ رہے ہیں کہ جب غیر محرم سے بات کرنی پڑے تو اپنی آواز میں نرمی اور لوچ مت لانا، ذرا سی سختی ہو، سختی کا مطلب بدتمیزی نہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں، اگر تم نے کسی سے نرمی سے بات کی تو جن مردوں کے دلوں میں مرض ہوگا وہ تمہاری ہی تما کرنے لگیں گے۔ اور آج کل کے حالات میں مردوں کے اندر تما تو بہت کھلی ہوئی بات ہے، ان کی نگاہوں میں وہ پاکیزگی اب نہیں رہی، الا ماشاءاللہ۔ دو ہی طرح کے لوگ ہیں جن کی نگاہوں میں پاکیزگی ہے، ایک تو وہ پاگل ہیں، غبی ہیں، انہیں پتہ ہی کچھ نہیں مرد عورت کا فرق، یا جن کے اندر خوف خدا اور ولایت کا نور ہے۔ عام لوگوں کے اندر تو یہ بات ختم ہو چکی۔ تو ہمیں رابعہ بصریہ بننے کی ضرورت نہیں، ہمیں اللہ کا حکم ماننے کی ضرورت ہے۔ شریعت نے مردوں کو بھی احکامات دیے، عورتوں کو بھی احکامات دیے جدا جدا، تاکہ پاکیزگی ماحول کی باقی رہے۔ فقہا نے لکھا، فرمایا کہ ان بالوں کو بھی ایسی جگہ مت ڈالو جہاں غیر محرم کی نظر پڑے، اس سے بھی شہوت بیدار ہو جاتی۔ ہم لوگوں نے کتنی مرتبہ قبرستان میں یہ منظر دیکھا ہے، الحمدللہ، کہ جب مرد کی قبر بنائی جاتی ہے، دفن کیا جاتا ہے تو کوئی پردہ نہیں ہوتا، ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ عورت کو جب دفنایا جا رہا ہوتا ہے تو پردہ کرتے ہیں، اور ایک آواز لگانے والا یہ لگا کے قبرستان میں سمجھا رہا ہوتا ہے کہ بھئی جو محرم ہے وہ قریب رہیں، غیر محرم پیچھے ہٹ جائیں، اور پردہ کر کے پھر اتارا جاتا ہے۔ دیکھا جی آپ نے ایسا؟ اب ذرا سوال اس سے پیدا ہوتا ہے، سمجھ میں آنے والی بات ہے، جو شریعت اتنی پاکیزہ ہے، جو ایک مردہ عورت کی تدفین کے لیے پردہ چاہتی ہے، کیا وہ برداشت کر سکتی ہے اس بات کو کہ کوئی زندہ عورت، خوبصورت عورت، میک اپ کر کے، بے لباس یعنی کہ کم لباس کے ساتھ اور کھلے بالوں کے ساتھ باہر نکلے؟ جو شریعت مردہ عورت کے لیے جہاں خطرے کا کوئی امکان نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس کی عمر 60-70 سال بھی ہو، نانی دادی ہو، اس کی تدفین کے لیے کہہ رہی ہے پردہ کرو اور ہم کر رہے ہیں، کیا وہ شریعت کسی نوجوان عورت کے لیے میک اپ کر کے کھلے بالوں کے ساتھ باہر نکلنے کو پسند کر سکتی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پردہ ہماری عقل پہ پڑ گیا ہے، پردہ اصل میں ہماری عقلوں پہ پڑ گیا ہے،
वो क्या शेर था अकबर अलाहाबादी का, अल्लाह करे भी याद आ जाए, बहुत मशहूर शेर था। बेपर्दा नजर आई जो चंद बीबियां, अकबर गैरत कौमी से गैरत जमीन में गड़ गया। वो पूछा वो पर्दा तुम्हारा वो क्या हुआ, कहने लगी अकल पे मर्दों की पड़ गया, हमारी अकल पे पर्दा पड़ गया। इस्लाम को अगर सही शक्ल में देखना हो ना तो सहाबा की जिंदगी में देखें, आज प्रैक्टिकली नजर नहीं आता। एक सहाबिया थी अंसारी है, हजरत उम्मे खल्लाद अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हा, उनका बेटा फौत हो गया, अचानक खबर मिली, सहाबा कराम की जिंदगी में आपको हया और पाकदामने की सही तफसीलात मिलेंगी। एक सहाबिया थी उम्मे खल्लाद अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हा, उनको अचानक खबर मिली, घर में औरत है, खबर मिली माँ को कि बेटा शहीद हो गया, इंतकाल हो गया। वेरिफिकेशन के लिए बाहर निकली, नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में आके अर्ज किया, या रसूलल्लाह मैंने सुना मेरा बेटा शहीद हो गया। एक सहाबी वहां मौजूद थे, उन्होंने उनके पर्दे के बेहतरीन इंतजाम को देख के हैरत का इजहार किया कि अचानक बदहवासी में जल्दी में निकलने वाली ऐसी खबर के बाद निकलने वाली औरत इतना बेहतरीन पर्दा करके बाहर निकली, तो हैरान हो गए और कह भी इजहार कर बैठे इतना पर्दा करके निकली है ऐसी हालत में। तो क्या जवाब दिया, फरमाया मेरा बेटा फौत हुआ है, मेरी हया फौत नहीं हुई, मेरा बेटा फौत हुआ है, मेरी हया फौत नहीं हुई। सहाबा कराम के मामले तो ये थे। नबी अलैहिस्सलाम ने तो यहां तक फरमाया मौसीकी के हवाले से कि मौसीकी सुनना कानों का जिना है, फरमाया कि जिस तरह बारिश के बरसने से जमीन में सब्जा और खेती पैदा होती है, जान आती है, बिल्कुल इसी तरह मौसीकी म्यूजिक और इस तरह की चीजों को सुनने और देखने से दिल के अंदर जिना की ख्वाहिश बेदार होती है। तो कहते हैं जी मौसीकी क्या है, रूह की गिजा है, बिल्कुल ठीक कहते हैं। मैं मस्जिद के मेंबर पर इसकी गारंटी देता हूँ, मोहर लगाता हूँ, अगर मेरी मोहर की हैसियत तो नहीं है जितना मैं हूं, चलो बिल्कुल ठीक कहते हैं, मौसीकी रूह की गिजा है, शैतानी रूह की गिजा है, मोहम्मदी रूह की गिजा नहीं है। तो जिनके अंदर मोहम्मदी रूह है उनके लिए ये गिजा नहीं, जिनके अंदर शैतानी रूह है उनकी फिर गिजा है, ठीक कहते हैं वो, जैसी रूह वैसे फरिश्ते, फिर मामला भी ऐसे ही होना है। नबी अलैहिस्सलाम ने तो फरमाया मौसीकी के बारे में भी, और आदा भी जिना करते हैं, आंख ने गैर महरम को देखा ये आंख का जिना हदीस के मुताबिक, कान ने उसकी बात सुनी गैर महरम की ये कान का जिना, जुबान से बात की जुबान का जिना, उसको हाथ लगाया हाथ का जिना, पांव चल के गए पांव का जिना। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि गैर महरम को मेरा हाथ लगे इससे बेहतर है कि मेरा हाथ खिंजीर पे लग जाए। गैर महरम से मुसाफा करना गुनाह कबीरा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी गैर महरम से मुसाफा नहीं किया, ये गुनाह कबीरा है, हमारे माशरे में आम हो चला है। मर्दों की नजरें इंतहाई हवसनाक हैं, शायद ही कोई हो हजारों में कि पाकिजगी हो। देखें हम सब इस बात को मानते हैं कि नजर लग जाती है, अलाइन हक, नजर का लग जाना हक है, हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जब मर्दों की हवसनाक निगाहें हमारी माओं बेटियों और बहनों पर पड़ेंगी जो बेपर्दा बाहर जा रही हैं, तो क्या होगा, क्या इसके असरात नहीं आएंगे? इसके असरात आएंगे कि परेशानी अंदर होगी, सुकून लुट जाएगा, बेइत्मीनानी वाली जिंदगी होगी। आप सर्वे करवा लीजिए 100 बेपर्दा बच्चियों और औरतों के और 100 बापर्दा के, और उनसे पूछ लीजिए सुकून किसके अंदर है। जो बेपर्दा होंगी 100 की 100 आपको यही बताएंगी कि हमारा सुकून लुट चुका। आप तजुर्बा कर लीजिए जहां पे मर्दी जाके पूछ लीजिए, जब गैर महरम की बुरी निगाह इस पे पड़नी है तो अंदर से सुकून और चैन सबसे पहले लुटना है। नाजायज ताल्लुकात, छुपी मोहब्बतें, ये कभी छुपी नहीं रहती, बिल आखिर खुलती हैं और दुनिया और आखिरत में रुसवाई का जरिया बनती हैं। हम आमतौर से ये देखते हैं कि बच्चे अपने बड़ों से मोबाइल लेते हैं, छोटे जो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं उनको तो आमतौर से माँ बाप ने मोबाइल नहीं दिए होते, तो वो माँ बाप का मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। ऐसा ही है या मैं गलत कह रहा हूँ?
अब होता क्या है, जो इनका इंटरनेट का एल्गोरिथम और जो सारा सिस्टम है ना, वो क्या है कि जो चीज मैं सबसे ज्यादा देखता हूं उसी को जल्दी लेकर आते हैं, सबसे सामने वही लेकर आते हैं। मेरा मोबाइल, मेरे स्क्रीन, कोई भी टच पैड है, कोई भी लैपटॉप है, कोई भी चीज मेरे पास डिवाइस है, मैं जो कुछ अपनी डिवाइस पे ज्यादा सर्च कर रहा हूं, ज्यादा देख रहा हूं, वो फौरी तौर पर आएगा। उसका सिस्टम ऐसा है। उसकी कई वजूहात हैं, तिजारती तौर पे भी और बहुत सारे उसके, उस पर जाएंगे तो लंबी बात चली जाएगी। खुलासा यह है कि जो कुछ मैं देख रहा होता हूं ना, वो जल्दी आ रहा होता है, फौरन आ रहा होता है। अब जो कुछ मैं देख रहा हूं, रात को मेरे बच्चे ने मुझसे मेरा मोबाइल लिया तो मैं तो बच्चों के सामने खुल गया, और वैसे भी जैसी करनी वैसी भरनी। इसका यह मतलब नहीं है कि हमारे लिए अलग मोबाइल हो, बच्चों के लिए अलग हो, यह मतलब नहीं है। हम ठीक हो जाएं, अगर हम में से कोई गलत तो भी मैं ठीक हो जाऊं, मैं अपनी भी बात भी कर रहा हूं, क्योंकि हम जैसा मामला करेंगे वैसा आगे हमारे साथ पेश आएगा। बाज मरतबा किसी की मोहब्बत दिल में ऐसी आ जाती है कि निकलना मुश्किल हो जाता है। तो एक अमल है, मैं आपको बता रहा हूं, अगर कोई शख्स रोजाना 300 मरतबा इसको पढ़ ले, या हर नमाज के साथ इसको 40-50 दफा पढ़ ले, तो गैर महरम की मोहब्बत दिल से निकल जाएगी, उसके बदले अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत आ जाएगी। बहुत सारे नौजवानों को हमारे माशरे में इस अमल की जरूरत है। वो अमल क्या है? बहुत आसान, चार उसमें कलिमात हैं छोटे छोटे। ला मरगूबी इल्लल्लाह, ला मतलूबी इल्लल्लाह, ला महबूबी इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ला मरगूबी इल्लल्लाह, ला मतलूबी इल्लल्लाह, ला महबूबी इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। रग़बत है तो अल्लाह से, तलब है तो अल्लाह की, मोहब्बत है तो अल्लाह की, इबादत है तो अल्लाह की। ये अरबी के अंदर इन कलिमात को 300 मरतबा रोज दोहराया जाए, पढ़ा जाए, पाबंदी के साथ, इस नीयत के साथ कि अल्लाह मेरे दिल को गैर महरम से पाक कर दे उसकी मोहब्बत से, तो इंशाल्लाह ये बहुत ही मुजर्रब और बेहतरीन है। ये मौजू आज चुना क्यों? चंद दिन पहले कराची के एक स्कूल की खबर आई, आप लोगों को भी शायद मालूम हुई हो, कि 14-15-16 साल के लड़के लड़कियां बरहाना डांस कर रहे हैं, नीम बरहाना, और शराब भी पी हुई है, और खुलेआम एक स्कूल के अंदर फंक्शन हो रहा है। ये कराची के एक स्कूल की बात है। एक प्रिंसिपल साहब के कमरे की वीडियोस वायरल हुई कि वो अपने स्टाफ के साथ जो को जो जो काले अमल करते थे वो वायरल हो गई। इसी तरह कोई मालूम हुआ कि कोई खातून यूट्यूबर है किसी गांव की, उसकी कोई बेहयाई वीडियो को, कोई बेहयाई वाली चीज़ वायरल हो गई, वो जनाब उसके फॉलोअर्स और उसके जो लाइक्स थे वो जो थोड़े से थे वो मिलियंस में चले गए, और एक यूनिवर्सिटी में 50 या 5500 वीडियो वायरल हो गई निकली, और हर कॉलेज यूनिवर्सिटी में तकरीबन बहुत थोड़े होंगे जो बचे हुए होंगे, म्यूजिक फेस्टिवल और इस तरह की जो रातें मनाई जा रही हैं, और जो ग्रुप्स जा रहे हैं इनके मुस्तकिल, गिलगित जा रहे हैं, कालाम जा रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पे जा रहे हैं, मरी जा रहे हैं, कौन सी बेहयाई है जो उनमें नहीं होती अक्सर बेशतर में। हम किधर जा रहे हैं? हमारा बनेगा क्या? कब हम रुकेंगे? कब बचेंगे? कैसे बचेंगे? इस बेहयाई की दलदल के लिए हमें कुछ करना है या नहीं? फिक्र करनी है कि नहीं? मुझे अपनी जात से शुरू करनी है, अपने घर पे शुरू करनी है, नहीं तो जो कुछ वहां आज यूरोप में, इंग्लैंड में हो रहा है, 20-30 साल बाद यहां होगा। इसकी जिम्मेदारी हम सब की है। ये बेहयाई की दलदल में हम डूबते चले जा रहे हैं, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। एक वफाकुल मदारिस के साहब थे, 70 साल से ज्यादा उनकी उम्र थी, उनको किसी ने नशा पिला के उनकी कोई वीडियो बनवा ली, इतनी वायरल हुई, इतनी वायरल हुई कि अल अमान वल हफीज। मुझे भी दुनिया के कितने लोगों ने फोन कर करके, ये देखो जी मदरसों में ये होता है, मदरसों में ये होता है। एक वाकया हुआ 70 साल बंदे से, जिनकी तहकीक के बाद पता ही लगा कि नशा पिलाया गया था, साजिश की गई थी। तो ये बात तो किसी को नहीं बताई, बाद वाली बात नहीं आती, पहली खबर चल जाती है। फिर कभी किसी ने उस मदरसे में जाके पूछा कि 70 साल का बूढ़ा उसकी जवानी कैसी थी? हजारों उसके शागिर्द हैं, उनसे पूछते, वो भी हमें कोई कोई नहीं की जरूरत ही नहीं पूछने की।
अब ये इतना कुछ हो रहा है इसके ऊपर किसी ने मुझसे आज तक कुछ नहीं पूछा। जिन जिन लोगों ने पूछा वो कहते ना वो ये मोमबत्ती वाले और बहुत सारी ये जो 8 मार्च को लोग निकलते हैं उनमें से किसी ने नहीं पूछा हम किधर जा रहे हैं बहैसियत कौम। तो इसके लिए हमें बेहतरीन पॉलिसी बनाने की फिक्र करने की ज़रूरत है। मुख्तसर वक्त में बस एक ही वाक़ा अब सुनाता हूँ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का। बातें तो इसमें भी बहुत हैं वाक़ियात बहुत हैं बस उसूल याद रख लीजिए। पाक दामन मर्द हो या औरत क़यामत के दिन अल्लाह का अर्श इंशाअल्लाह ताला उसको मिलेगा। पाक दामन की दुआएं अल्लाह कबूल फरमाते हैं। पाक दामन वाले किसी परेशानी में फंस जाए किरदार वाले हों पाक दामनी वाले हों अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसी ऐसी उनकी मदद करते हैं कि इंसान गुमान भी नहीं कर सकता। दो मिसालें ले लीजिए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पे बोहतान लगा क्या हुआ एक छोटे बच्चे ने गवाही दी छोटे बच्चे तो नहीं बोलते। बीवी मरियम पे बोहतान लगा क्या हुआ एक छोटे बच्चे ने गवाही दी। यानी अल्लाह ताला के लिए कोई चीज आउट ऑफ द वे नहीं है। अपने समझने के लिए बात कह रहा हूं खाली हमें समझ में अच्छी तरह आ जाए। पाक दामन बंदा हो कोई परेशानी मुश्किल में वो आ जाए जैसे कि दुनिया में कोई आउट ऑफ द वे जाके किसी की मदद करता है ना ये समझाने के लिए जुमला है अल्लाह ताला वहां से उसकी मदद करते हैं गुमान भी नहीं होता। और इस पाक दामनी को अल्लाह ने बड़ा पसंद किया। अल्लाह ताला हया वाले नबी अलैहिस्सलाम हया वाले जन्नत में सारे हया वाले जमा होंगे बेहयाओं का जोड़ जन्नत में तो नहीं होने लगा। हाँ जो तौबा कर लेगा अल्लाह बड़े मेहरबान करीम। हफीफा कायनात हबीब हबीब खुदा सईदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला का बड़ा अल्लाह ने मकाम बनाया है। तमाम उम्महातुल मोमिनीन में अपने इल्म के अंदर सबसे आगे थी। उनकी जिंदगी का एक अजीब वाकया है। एक गजवा में नबी अलैहिस्सलाम के साथ गईं और कूच का वक्त था तो ये चंद औरतों के साथ गईं कदाए हाजत के लिए थोड़ा दूर जाते थे वो औरतें वापस आ गईं। तमाम सहाबा कराम को पता लग गया कि भाई सब तैयारी हैं अब उठना है फरमाया चलो चल पड़े। अब जिस हुदज में बैठती थी जिसको ऊंट पर रखा जाता था अब ये एक उठाने वाले उस औरत को चार नौजवान बड़े हिम्मत वाले उन्हें नहीं पता लगा कि अंदर कोई है कि नहीं इनका वजन कम रख दिया फिर अल्लाह की तरफ से कुछ होना था। अब ये आ तो गई जब वापस आई ना तो पता है एकदम लगा मेरा हार गुम गया हार लेने गई कि जल्दी से आती हूं वापस आई तो पता लगा जनाब इधर से तो लश्कर कूच कर चुका। बहुत जहीन थी समझदार थी वहीं रुक गई कि मैं कहीं जाऊंगी तो फिर दोनों को एक दूसरे की तलाश मुश्किल होगी। जब नबी अलैहिस्सलाम को मालूम होगा कि मैं यहां नहीं तो लाजमी तौर पर आप तलाश के लिए किसी को यहीं पहले भेजेंगे तो वहीं रुके। ये उनकी समझदारी थी। नबी अलैहिस्सलाम एक बेहतरीन जर्नैल थे। आपकी तरतीब ये होती थी हर लश्कर के 2-4 किलोमीटर पीछे एक साथी को एक किसी की ड्यूटी लगी होती थी कभी एक की कभी ज्यादा की कि जब हम आगे निकलें उस मंजिल को छोड़कर तो आप लोगों ने आपने आके देखना है कि यहाँ कोई चीज रह तो नहीं गई कोई ऐसा मामला तो नहीं तो बैकअप के तौर पे रखते थे। तो इस दौरान एक ड्यूटी थी सफवान बिन मुअत्तल रजी अल्लाह तआला अन्हु जो बड़ी उम्र के पक्की उम्र के बदरी साहबी थे वो आए तो मैं आयशा से सो रही थी पर्दे की आयात से पहले देखा हुआ था तो एकदम देखते ही कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अम्मी की आंख खुली देखा तो फौरी तौर पे पर्दा कर लिया। वो कहते हैं चेहरे का पर्दा नहीं होता अम्मी ने क्यों किया फिर अच्छा फौरी तौर पे चेहरा छुपाया उन्होंने अपना ऊंट आगे किया पीछे हट गए और ये सवार हो गई और चल पड़े। अब इनको तो पता है कि रूट क्या है नबी अलैहिस्सलाम का वो तो उस ड्यूटी पर है तो उस रूट के मुताबिक एक बड़े लश्कर की बड़े ग्रुप की रवानगी की स्पीड स्लो होती है अकेले की बहुत तेज होती है फिर मिल गए। हुआ क्या वहाँ एक शख्स था बदबख्त अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिकीन का सरदार उसने उल्टी सीधी बातें शुरू कर दी। बीबी आयशा के ऊपर बोहतान लगा दिया। बीबी आयशा कहती हैं कि मैं जाके बीमार भी हो गई एक महीने का करीब का वक्त गुजरा और नबी अलैहिस्सलाम मेरी तरफ इल्तफात नहीं करते थे मुझे नहीं पता था कि क्या मामला है मैं समझती थी कि मसरूफियत है वर्कलोड ज़्यादा है। कहती हैं कि एक महीने के बाद मैं से ना बाहर निकली तो
तो उम्मे मिस्ताह रज़ी अल्लाह तआला के बेटे सहाबी पक्के थे, वो भी इस प्रोपेगेंडा के में आ गए और वो भी बातें करने लगे। उनसे पता लगा, अब बीबी के तो ज़मीन पाँव से निकल गई, अब घर वापस आई, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बात करना चाहिए, आपने बात नहीं की। तो दिल तो बड़े तकलीफ में था, गमजदा हो चुकी थी। कहा इजाज़त अगर हो तो मैं अपने वालदैन के पास चली जाऊँ। वालदैन के पास आई, जैसे ही घर में आई देखा सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु रो रहे, अल्लाह का कुरान पढ़ रहे हैं, रोए चले जा रहे हैं। अपनी माँ को देखा तो उनका भी रो रो के बुरा हाल था, बड़ी परेशान घर के अंदर आ गई और सोच रही थी कि जिन पे मान था माँ बाप थे ये भी रो रहे हैं, मैं क्या करूं। उधर नबी अलैहिस्सलाम काफी दिन गुजर गए, महीने के करीब, परेशानी है, सहाबा से पूछ रहे हैं, हजरत उमर से पूछा, अबू बकर तो नहीं थे, उस्मान से पूछा, अली से पूछा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अजमईन, सहाबा से पूछा तुम्हारी क्या राय है। सब ने राय दी कि बेहतरीन, अम्मी आयशा के अंदर कोई बात नहीं। हजरत अली ने कहा कि अल्लाह ने आपके जूते में नजासत थी, वो आपको वो वहां पांव रखने नहीं दिया, आपके बिस्तर पे नापाक चीज कैसे आ सकती है। फिर एक बात उन्होंने और भी कही, देखा ना गम दूर नहीं हो रहा, तो फरमाया कि अगर आप कोई और करना चाहें तो आपके लिए रास्ता तो खुला है। पहले पाक दामने की पूरी गवाही थी, उसके बाद अब महबूब के दिल को भी तो रखना था। उन्होंने ये बात कही। नबी अलैहिस्सलाम ने उमर से पूछा, अजीब सवाल और अजीब जवाब। सवाल पूछा, आयशा के बारे में क्या कहते हैं। हजरत उमर ने कहा, या रसूलल्लाह मुझे ये बताइए, ये रिश्ता आपने किया था या कहीं और से आया था। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, अल्लाह ने भेजा था। हजरत उमर ने गोया के यूं जवाब दिया कि मुझे छोड़िए, इजाजत दीजिए और इस मुनाफिक की गर्दन मैं देखता हूं, कि हमें तो अपनी बच्चियों के लिए पाक दामन बच्चियां मिल जाती हैं, क्या अल्लाह को अपने महबूब के लिए पाक दामन बीवी नहीं मिली, क्या अल्लाह को अपने महबूब के लिए पाक दामन औरत नहीं मिली। नबी अलैहिस्सलाम एकदम दिल खुश हो गया। अब अबूबकर के घर आए, घर आने के बाद एक अजीब नक्शा है, ये खुलासा करके वाकया सुना रहा हूँ वक्त की कमी की वजह से। नबी अलैहिस्सलाम ने दरवाज़ा जब नॉक किया, दरवाज़ा खोला गया, आप अंदर आए। नबी अलैहिस्सलाम के पास बीबी आयशा आई, उनकी माँ ने कहा जाओ नबी अलैहिस्सलाम के पास जाके बैठो। बीबी आयशा नबी अलैहिस्सलाम के पास बैठी है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, आयशा अगर तुझसे कोई गलती हुई है, अगर तुझसे कोई गलती है तो माफी मांग ले, अल्लाह माफ कर दे। फरमाती है कि मैंने तो ये कहा इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, मैं तो अपना गम रोना अल्लाह के सामने रखती हूँ, कि तुम्हें नबी अलैहिस्सलाम को छोड़कर सजदे में चली गई। अल्लाह यूसुफ पे बात बनी थी, तूने बरात अता फरमाई, मरियम पे बात बनी, तूने बरात अता फरमाई, आज तेरे महबूब की हुमैरा पे बात बनी है, अल्लाह तेरा ही दरवाजा खटखटाती हूँ। फिर नबी अलैहिस्सलाम को आयशा ने क्या फरमाया कि आज अगर मैं वो बात कह दूं जो सच है तो आप नहीं मानेंगे, मैं अल्लाह ही का दरवाजा खटखटाऊं। अब वो अल्लाह से मांग रही है, नबी अलैहिस्सलाम से हटके एक घर का माहौल अजीब है, माँ बाप दोनों रो रहे हैं बीबी आयशा के। इतने में वो वही की कपकपी और वो अंदाज जो वही के नुजूल का था नबी अलैहिस्सलाम पे तारी हुआ, आपके ऊपर कंबल डाल दिया गया। सिद्दीक़े अकबर भी आयशा कहती है कि मैं तो वैसे अल्लाह से मांग रही थी, रो रही थी, अपने बाप को देखा उनकी भी जान निकली हुई थी कि अल्लाह का हुक्म आ रहा है, अभी इस सिद्दीक के घर की जो भी बात है वो सामने आ जाएगी। अम्मी को देखा तो वो रो रही थी कि अल्लाह की तरफ से जो बात खुल के आ जानी है वो हक और सच होनी है। तो पूरे घर का हाल बड़ा अजीब था, लेकिन मुझे इत्मीनान था कि मेरा अल्लाह मेरे बारे में गवाही दे देगा, जिब्राइल आके नबी अलैहिस्सलाम को बता देंगे, कोई ना कोई ऐसी बात मेरी गवाही में आ जाएगी। इतना नहीं मुझे गुमान था कि मेरे रब इतने कदरदान होंगे कि कुरान मजीद की 18 आयात मेरे लिए नाजिल फरमाएंगे जो कयामत तक पढ़ी जाएंगी मेरी पाक दामनी के ऊपर। नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर जब वो वही मुकम्मल हुई, कपड़ा हटाया गया, तो ऐसे कंबल हटा के चेहरा मुबारक बाहर आया जैसे चौदहवीं रात का चांद होता है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने बता दिया, सुभानका हाजा बुहतानुन अज़ीम लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम, कि आयशा अल्लाह ने तुम्हारी बरात जो है ना वो नाजिल फरमा दी है। तो पाक दामन औरत के ऊपर, मर्द के ऊपर कभी कोई हालात आए, अल्लाह ऐसी मदद फरमाते हैं जहां से गुमान भी नहीं होता। बीबी आयशा के बारे में किसी ने क्या खूब लिखा, तेरी पाकीजगी पर नुत्के फितरत ने शहादत दी, तेरी पाकीजगी पर नुत्के फितरत ने शहादत दी, तुझे अजमत आता की आफियत बख्शी फजीलत दी, खुदाए लम यदल का बारहा तुझको सलाम आया,
मुबारक हैं वो लब जिन पर अजल से तेरा नाम आया, रसूलुल्लाह ने रखा है सिद्दीका लकब तेरा, फकत फर्शी ही नहीं अर्शी भी करते हैं अदब तेरा, शरफ तेरे दुपट्टे ने ये जंगे बदर में पाया, शरफ तेरे दुपट्टे ने जंगे बदर में पाया, इसे परचम बनाकर रहमत आलम ने लहराया। तेरा हुजरा अमीन खास है जाते रिसालत का, तेरा हुजरा अमीन खास है जाते रिसालत का, फर्श पर होके भी ये टुकड़ा है बागे जन्नत का, इसी में रहमतुल आलमीन रहते थे रहते हैं, इसी में रहमतुल आलमीन रहते थे रहते हैं। तेरा हुजरा है वो जिसे गुम्बद खजरा भी कहते हैं, शफात की तेरे रहमत कदे से इब्तिदा होगी, शफात की तेरे रहमत कदे से इब्तिदा होगी, इसी पर उम्मतों की मगफिरत की इंतहा होगी। तो भाई अगर हम में से किसी से भी कोई गुनाह हुआ तो हम हर गुनाह की तौबा करें, अल्लाह ताला से माफी मांगें और इरादा कर लें कि हमने सारी जिंदगी पाक दामनी और इज्जत और नामूस की हिफाजत के साथ गुजारनी है। याद रखिए, खूबसूरत औरत को, ये औरतों के लिए मैसेज है कि खूबसूरत औरत को देखने से आंखें खुश होती हैं, खूबसूरत औरत को देख के दिल खुश हुआ करता है। बच्चियां ये बात भी याद रखें कि कद ऊंची एड़ी की जूती के बगैर भी ऊंचा नजर आ सकता है अगर शख्सियत में बुलंदी हो, आंखें बगैर सुरमे के भी हया वाली हो सकती हैं अगर उनके अंदर, आंखें बगैर सुरमे के भी खूबसूरत लग सकती हैं अगर उनमें हया हो, पलकें बगैर मस्कारे के भी दिल फरेब हो सकती हैं अगर शर्म से झुकी हुई हों, और पेशानी बगैर बिंदिया के भी बेहतरीन लग सकती है अगर उस पर सजदों के निशान हों। तो असल जिंदगी हया और पाकदामनी वाली है। अल्लाह हम सबको इसकी फिक्र अता फरमाए।